आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। तो पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कॉर्न और थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, और गाजर, और बीज निकाल के टमाटर को भी काट के डालेंगे। और बाकी आप अपने पसंद से भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं इसमें, और ढेर सारा घिसा हुआ चीज़। अब डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकती हैं। थोड़ा सा सीजनिंग, इन सबों को मिला के हम एक तरफ रख देंगे, और इधर एक रोटी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस फैला देंगे अच्छे से। और जो इधर मिक्सचर तैयार किया है हमने, उसको इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। और उसको एक तरफ रख के, और इधर हम फिर एक दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे। इसको हम दूसरी रोटी से कवर कर देंगे, और इसके किनारों को हम दबा दबा के एक फोक की सहायता से चिपका देंगे, ताकि ये सेकने के समय खुले नहीं। और इसको तवे पे डाल के हम सेक लेंगे। इसको पलट के इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, इसके किनारों को भी अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ भी अब ऑयल लगा देंगे। और इस तरीके से हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। आप इसे अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।